नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीपत में 40 लाख चोरी की बड़ी वारदात, दुकान मालिक पर हमला कर चोर भागे। संचालक पर गरीब हितग्राहियों ने लगाया राशन गबन का आरोप, शिकायत पर सरपंच पति निकला बदजुबान। अब परसदा में खुला पुलिस सहायता केंद्र, कलेक्टर एसपी की उपस्थिति में विधायक ने किया शुभारंभ। और मवेशियों के खून से रोज लाल हो रही सड़कें, मृदई चालक ने 8 गौ वंश की ली जान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सीपत के एचडीएफसी बैंक के सामने दामोदर ज्वेलर्स में 40 लाख कीमती जेवरात व नकदी चोरी की घटना सामने आई है। नकाबपोशों ने मंगलवार सुबह चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट सर्च डॉग को लेकर सीपत पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दामोदर ज्वेलर्स के संचालक दामोदर गुप्ता शादी कार्यक्रम में सोमवार को पूरे परिवार सहित बिलासपुर गए हुए थे। रात करीब 2:30 बजे सभी कार से वापस सीपत लौट रहे थे। घर लौटते समय उन्हें अपनी दुकान के सामने कुछ नकाबपोश दिखाई दिए। अचानक कार देखकर अज्ञात नकाबपोश उनकी तरफ पत्थर फेंकने लगे। पत्थरबाजी से सहमे सदस्यों समेत दामोदर दुकान से कुछ आगे जाकर कार रोक दी और डायल 112 को सूचना दी। खबर मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने देखा कि दुकान के शटर का लॉक ग्लास टूटा है और पास में पत्थर लकड़ी रखा हुआ था। वही सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन कटा हुआ मिला। जांच करने पर दुकान संचालक ने बताया कि दुकान में रखा 30 किलो चांदी, 200 ग्राम सोने के जेवर और गुल्लक में जमा 50,000 रुपए गायब है। मौके पर पहुंची 112 की टीम चोरों को ढूंढने का प्रयास किया, तभी उन्हें एनटीपीसी के मटेरियल गेट के सामने एक दुकान के पास बाइक क्रमांक CG10BE3186 कपड़ा और लोहे का एक सब्बल मिला। डायल 112 के सदस्यों ने घटना की सूचना थाना प्रभारी को दी। डीएसपी उदयन बिहार थाना प्रभारी नीलेश पांडे के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां सर्च डॉग और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के द्वारा जांच की जा रही है। थाना सीपत क्षेत्र में एक दामोदर ज्वेलर्स है, वहां एक चोरी की सूचना भी मिली है। उसमें अभी हमारी फॉरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट टीम और हमारे एसईसीयू और साइबर की टीम पहुंची है, अभी हम उसमें आगे जांच कर रहे हैं। दुकान संचालक ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें 2 नकाबपोश युवक दिखाई दिए, जिसके बाद कनेक्शन अचानक कट हो जाता है। वहीं दुकान के सामने एचडीएफसी बैंक और शहर के अन्य जगहों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल कर सीपत पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोकसभा टीवी के लिए आशीष मौर्य की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने जुलाई महीने से यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है, जिसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने 1 जुलाई से नए नियमों को लागू कर दिया है, जिसमें पहली बार वेटिंग टिकट को लेकर सख्त फैसले किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बों में यात्रा करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपका आरक्षण वेटिंग में है तो आप एसी या स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते, चाहे आपने टिकट स्टेशन की खिड़की से ऑफलाइन ही क्यों न खरीदा हो। इस तरह के टिकट पर भी अब रेलवे ने रिजर्वेशन डिब्बों में यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी है। यह निर्णय रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसका असर वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि यदि कोई यात्री नए नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी भरकम पेनाल्टी लगाई जाएगी और टीटी उसे बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतार सकता है। इसके लिए ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। टिकट पर यात्रा की जो अनुमति होती है उसका 2 तरीका है। एक तो है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट, तो ऑनलाइन टिकट स्वतः ही कैंसिल माना जाता है, बेसिकली वो नो टिकट हो गया कि आपके पास टिकट है ही नहीं। और दूसरा है कि जो खिड़की का टिकट होता है उसमें अगर वेट लिस्टेड टिकट है आपका, तो आप जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेवल कीजिए। आपको रिजर्व कंपार्टमेंट में, चूँकि आपका वेट लिस्टेड है तो रिजर्व कंपार्टमेंट रिजर्व पैसेंजर्स के लिए। और मान लीजिए आपका पार्शियली कन्फर्म टिकट है कि एक अगर कंफर्म है बाकी वेटिंग है, तो आपको जनरल में ही जाना है, नियम के हिसाब से आपको वहीं जाना है। वैसे तो ये फैसला रिजर्व डिब्बों में कन्फर्म टिकट के साथ सफर करने वालों की सहूलियत के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसका वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों पर असर पड़ेगा। रेलवे ने यह नया आदेश कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों की शिकायतों के बाद लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्व डिब्बों में वेटिंग टिकट वालों की बढ़ती भीड़ के कारण काफी असुविधा होती है।
इसी वजह से रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अब यहाँ सवाल उठाया जा रहा है कि ट्रेन में वेटिंग टिकट की सीमा तय क्यों नहीं की जाती। अपना मुनाफा कमाने रेलवे प्रबंधन द्वारा आरक्षण करते समय वेटिंग की संख्या का ध्यान नहीं रखता, जिससे दोनों तरह के यात्रियों के बीच सफर में विवाद होता है। ऊपर से इस नए फरमान से नया विवाद खड़ा हो गया है। लोक सौ टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता मोहन मरकाम मंगलवार को शहर पहुंचे। छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, सेना में अग्नि वीरों के रूप में भर्ती किया गया। इसमें एक युवक राकेश पोस्टिंग के बाद से ही लापता है, उसके परिजन परेशान हैं। इसी तरह पंजाब में भी इसी तरह की घटना हुई है, वहां भी एक जवान लापता है। इस मामले को राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन इसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जो शहीद होते हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन रक्षा मंत्री ने इसे गलत बताया है। अग्निवीर के रूप में जो सेना में भर्ती हुई है उनको इतनी नज़रअंदाज किया जाना, प्रशासन ना विभाग ना बटालियन ना कोई भी उनको ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में भी इस बातों को विस्तार से अग्निवीर योजना में जो भर्ती हमारे सैनिक हैं उनके बारे में विस्तार से बात रखी, जो उनको जो मिलना चाहिए सुविधाएँ मिलना चाहिए। जो शहीद होते हैं उनसे शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जाता है, ना उनको कंपनसेशन दिया जाता है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा। इस घटना में दुकान में सोए दो भाइयों में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस हादसे में ड्राइवर को भी चोट आई है, वहीं ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। खबर लगने पर राजस्व और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को कार्यवाही का भरोसा दिलाया, राहत राशि दिलाई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटा दिए। पुलिस ने दोषी ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। बिलासपुर जिले के कोटा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत आमा मुड़ा में दुकान संचालक ने हितग्राहियों को एक माह का राशन नहीं दिया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से की और ज्ञापन सौंप कर बताया कि उल्टे सरपंच पति ग्रामीणों को भीख मांगने कह रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम से मिलने लगभग 30 किलोमीटर दूर से कोटा कार्यालय पहुंचे थे। सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके चलते राशन दुकानों में एक रुपया और गरीबों को मुफ्त चावल की योजना बनाई है, मगर कुछ जगहों पर राशन दुकान संचालक हितग्राहियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आमा मुड़ा में राशन दुकान संचालक ने हितग्राहियों को अगले माह कहकर मई महीने का राशन अब तक नहीं दिया है। ग्रामीणों ने दुकान संचालक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं ग्राम पंचायत आमा मुड़ा के सरपंच पति दादू राम से इसकी शिकायत की गई तो बुजुर्ग महिलाओं को गाँव में ही भीख मांग कर गुजारा करने की सलाह दे डाली। परेशान ग्रामीणों ने दोषी संचालक और महिलाओं को अपमानित करने वाले सरपंच पति के खिलाफ कार्यवाही करने मांग की है। वो चावल वाले कई महीने चावल नहीं मिले, एक महीना के नहीं मिले थे। अब बीच में देखू कहीं वह डीलर है, तो डीलर है नहीं दे है हो, और सरपंच से वो दिन भीख मांग डोकरी दोनों दोनों माता राम डीलर में जाथन, तो डीलर कहते के ओती वाले चावल नहीं आवे। तो हमार कहना रही से चावल सब पंचायत में आते तो हमरे पंचायत में कैसे नहीं आए भाई, सरकार है हमरे पर नहीं भेजे का चावल है। एकर हम जनपद में जाके पता करबो, डीलर हमला नहीं चाहिए, हमला दूसरा डीलर, और हमारे तीनों मोहल्ला अलग हमारे जितका कार्ड है ओकर हिसाब से हमारे गांव में चावल जाना चाहिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले में अधिकारियों की बैठक लेकर खाद बीज उपलब्धता और खेती किसानी की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुरूप खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हर दिन सोसाइटी खुला रखने कहा। कृषि विभाग के मैदानी अमले को निरंतर अपने क्षेत्र का दौरा कर किसानों से संपर्क रखते हुए खाद बीज के भंडारण और उठाव में निगरानी रखने कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को समिति से खाद बीज उठाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए खाद बीज की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण की शिकायत पर लगातार छापामार कार्यवाही के निर्देश दिए। उपसंचालक कृषि ने बताया कि जिले में खरीफ फसल की बुआई 80% हो चुकी है। जिले में 114 सहकारी समितियों में लगभग 18,786 क्विंटल बीज का भंडारण किया है, जिसमें से 18,283 क्विंटल बीज का वितरण किया
किया जा चुका है। धान, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिलहन सहित अन्य फसलों की जानकारी दी गई। बैठक में उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर, खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया, डीएमओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। शहर में लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, कार्यालय में निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब शासन के आदेश पर हर वार्ड में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को यदुनंदन नगर के सांस्कृतिक भवन में शिविर का आयोजन किया गया, जहां 12 बजे तक सिर्फ 4 ही आवेदन आए। इसमें गंदगी व नाली सफाई के लिए कहा गया, जबकि शिविर में लाइट, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, संपत्ति कर, राजस्व प्रकरण, आवास, नामांतरण सहित अन्य मामलों के भी स्टॉल लगाया गया था। तो यहाँ जनता की विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाते हैं और उनका जिनका त्वरित निराकरण हो जाता है तो स्थल पर निराकरण, और जिनका है तो और दूसरी समस्याएं हैं जिसमें प्राकलन वगैरह तैयार करना है या वो है, तो इसका जो है आगे फिर कार्रवाई के लिए फाइल वगैरह इसकी नस्ती तैयार करके कार्रवाई की जा रही है। तिफरा से यदुनंदन नगर तक 13 साल पहले करोड़ों रुपए से कॉन्क्रीट रोड बनाया था, बाद में इसमें डामरीकरण कराया गया, पर हालात यह है कि जगह जगह सड़क खराब हो गई है, वाहन चालकों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चकरभाटा थाने के अधीन ट्रांसपोर्ट नगर में सहायता केंद्र का मंगलवार को बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त उपस्थित थे। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निगम के सामुदायिक भवन में मंगलवार को पुलिस सहायता केंद्र का बिल्हा विधायक ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह, निगम आयुक्त अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, अनुज कुमार, नीरज चंद्राकर, एसडीएम पीयूष तिवारी सहित ट्रांसपोर्टर व्यवसायी मौजूद रहे। चकरभटा थाने के अधीन इस ट्रांसपोर्ट नगर सहायता केंद्र की मांग बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद जिला व पुलिस प्रशासन ने निरीक्षण कर यहां नगर निगम के सामुदायिक भवन को इसके लिए उपयुक्त पाया। पुलिस का भय दिखना चाहिए अपराधी के मन में, और अपराधी पस्त होना चाहिए, जो सज्जन लोग हैं उसका हौसला बुलंद होना चाहिए। निश्चित रूप से यहां पर गाड़ियां बाहर से आती हैं और उसके अलावा भी लोग बाहर से आते हैं और कहीं ना कहीं क्राइम होते रहते हैं। इस सहायता केंद्र के खुलने से उस पर लगाम लगेगी, इसके लिए सहायता केंद्र खोला गया है। हमारे कलेक्टर साहब आज यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हैं, मैं भूपेंद्र सवनी जी उपस्थित हैं, और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब रजनेश सिंह जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। कलेक्टर अमरीश कुमार शरण ने ट्रांसपोर्ट नगर में सहायता केंद्र खुलने पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा जरूरी संसाधन के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। और छोटे छोटे चीजों को लेकर हम यहाँ पे आए और आपसे सवाल को बड़ा रूप दे, जिसका मतलब यह है कि हमारे पुलिस के जवान यहाँ पे मुस्तैद दिखेंगे, इस क्षेत्र में पुलिस के जवानों की विजिबिलिटी बढ़ेगी और जो क्राइम प्रिवेंशन का काम, क्राइम को रोकने का काम वो यहाँ पे हो सकता है, तो आप सबके सहयोग से ये सफल होगा। माननीय साहब ने बताया कि विधानसभा के अंदर इन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस सहायता केंद्र की शुरुआत होगी, तो माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जिले के पुलिस कप्तान हमेशा ऐसे कामों में सक्रिय रहते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में यहाँ पे तो निश्चित रूप से ये जो सहायता केंद्र है क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में काफ़ी कारगर होगा, और चूंकि ये थोड़ा सा सभी दोनों थानों से सिरगिट्टी और चक्रभाटा से थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इसलिए यहाँ पर ये चौकी स्थापित होना एक जरूरी था और लोगों की भी आवश्यकता थी, लोगों के द्वारा भी कंप्लेन करने में वहाँ जाते थे। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर है, बाहर से लोग आते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर और खलासी वगैरह, तो उनकी भी समस्याएं रहती हैं और उनमें भी कोई ना कोई संदिग्ध या अपराधी किस्म के लोग आते हैं, तो उनके अनसोशल एलिमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी, जिससे कि लोगों में ट्रांसपोर्ट नगर में दिगर राज्यों और कई जिलों से भारी वाहन लेकर पहुंचते हैं और यहां से अन्य राज्यों जिलों के लिए रवाना भी किए जाते हैं। नवीन ट्रांसपोर्ट नगर सहायता केंद्र में तैनात पुलिस बल क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखकर कार्यवाही करेगा। लोकसभा टीवी के लिए आशीष मौर्य की रिपोर्ट।
सिरगिट्टी के रहने वाले प्रकाश यादव पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कीर्तिनगर निवासी प्रकाश यादव पर क्षेत्र का रहने वाला रोहित बल्लू और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला किया। सिरगिट्टी पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी रोहित बल्लू और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल रात की घटना है जहां एक दो पक्षों के मध्य में पूर्व की रंजिश को लेकर, दो महीना पहले भी उनके मध्य एक विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर दूसरे पक्ष ने कल रात में तीन लोगों के साथ मारपीट की है। उसमें तीन लोग जो है घायल हुए हैं, हालांकि सामान्य रूप से घायल है, कोई विशेष चोट नहीं आई है। पुलिस ने तत्काल FIR इसमें दर्ज कर ली है। आरक्षण काउंटर के सामने दो पहिया वाहन खड़े किए जा रहे हैं। बेतरतीब तरीके से वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां रेलवे कर्मचारियों की है, जबकि उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कुछ दिनों से यहां बेतरतीब ढंग से वाहन पार्क किए जा रहे हैं। कर्मचारियों के मना करने के बावजूद यहाँ वाहन खड़े हैं। शिकायत पर स्टेशन प्रबंधक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्वस्थ रहने का एक तरीका है कि समय समय पर जांच कराया जाए, खासकर हार्ट से जुड़ी परेशानी का निदान पाने लाइफ केयर हॉस्पिटल में विशेष शिविर लगाया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में निःशुल्क परामर्श और जरूरी जाँच पर 50% की छूट का लाभ उठा रहे हैं। बिलासपुर में तोरवा चौक स्थित गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर अस्पताल में विशेष जांच शिविर चलाया जा रहा है, जहां हर गुरुवार को हृदय संबंधी जांच और निशुल्क परामर्श दिया जाता है। अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता कश्यप ने बताया कि शरीर में होने वाली कई तरह की परेशानियों से हृदय रोग की पहचान की जाती है। शिविर पहुंचे मरीजों को उनके यहाँ प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपेश श्रीवास्तव निशुल्क परामर्श दे रहे हैं। इसके अलावा ECG कार्डियोग्राफी समेत कई जांच पर 50% की छूट दी जाती है। उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाए, जिससे समय रहते वे रोग मुक्त हो सके। लोगों को हृदय संबंधी बीमारियाँ बहुत ज्यादा ही सुनने में आ रही है, तो हमारी ये कोशिश है कि बिलासपुर और आसपास क्षेत्र के सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। इसी क्रम में अभी हमारे हॉस्पिटल में जुलाई और अगस्त के प्रत्येक गुरुवार को हमने हृदय संबंधी रोगों के लिए एक शिविर रखा गया है, जिसमें जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनको हृदय संबंधित बीमारियाँ हैं या हो सकती हैं, जैसे कि थोड़ा भी चलने में सांस फूलना, सीने में दर्द होना, अचानक वजन कम होना, इस तरीके की किसी भी समस्या है, तो वो ऐसे लोग आकर मिले और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ के जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपेश श्रीवास्तव जी आपको सुविधाएं देंगे, इसमें उनकी तरफ से आप लोगों को परामर्श निःशुल्क रहेगा और जो भी टेस्ट होने वाले हैं उनमें 50% की छूट दी जाएगी। श्री गोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ केयर हॉस्पिटल में विशेष शिविर अगस्त महीने तक हर गुरुवार को लगाया जाएगा, जिसका फायदा मरीजों को मिल रहा है। महंगे जांच और इलाज से परेशान सैकड़ों लोग इस शिविर का अब तक लाभ उठा चुके हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीपत में 40 लाख चोरी की बड़ी वारदात, दुकान मालिक पर हमला कर चोर भागे। संचालक पर गरीब हितग्राहियों ने लगाया राशन गबन का आरोप, शिकायत पर सरपंच पति निकला बदजुबान। अब परसदा में खुला पुलिस सहायता केंद्र, कलेक्टर SP की उपस्थिति में विधायक ने किया शुभारंभ। और मवेशियों के खून से रोज लाल हो रही सड़कें, निर्दयी चालक ने 8 गौ वंश की ली जान। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे के धूमा सिलपहरी में अज्ञात वाहन से कुचलकर 8 मवेशियों की मौत हो गई। खबर मिलने पर मंगलवार सुबह बिलासपुर से गए गौ सेवकों ने सभी मृत गौ वंश का विधिवत अंतिम संस्कार किया। हादसे में घायल एक नंदी को उपचार के लिए गौधाम लेकर आए। सदस्यों ने सड़क हादसे में आए दिन गौ वंश की मौत पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है मवेशियों की सुरक्षा का ठोस उपाय किया जाए। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराया है। आखिर कब तक हम इसी प्रकार गौवंश को अंतिम संस्कार करते रहेंगे निरंतर? और छत्तीसगढ़ में निरंतर गौवंशों की उपेक्षा हो रही है, गौवंश सड़कों पर है और सरकार के द्वारा ये जो आप आए दिन यहाँ जो योजनाएं बनती है, एक
केवल कागजों में सीमित रहती है। ये जानकारी हमें सूचना मिली थी तत्काल, वहाँ पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ पहुँची थी और 6 से 7 जो पशुधन है उनका इसमें हानि हुई है और किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उन्हें जो है ठोकर मार कर उनके मारने से उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में जो है तत्काल जो सहायता पुलिस की ओर से वो सारी की गई है और इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। सिम्स के अधीन यदुनंदन नगर में शहरी स्वास्थ्य केंद्र सालों पहले बनाया गया है पर आज तक भवन की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। हालात अब यह है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, यहाँ हर दिन मरीज आते हैं। सबसे ज्यादा मंगलवार को टीकाकरण के लिए माताएं बच्चों को लेकर पहुँचती हैं। सिम्स प्रबंधन भवन की देखरेख पर गंभीर नहीं है। मंगलवार को टीकाकरण के दौरान लोगों के सिर पर जर्जर छत का खतरा मंडरा रहा था। हर हफ्ते यहाँ मंगलवार को टीकाकरण होता है, 45 से 50 के आसपास टीकाकरण हो जाता है, गर्भवती महिलाएं 8 से 10 आ जाती हैं। अर्पा अर्पण महाभियान के पौधारोपण महायज्ञ के अंतर्गत एक पेड़ मां अर्पा के नाम का आयोजन आज किया गया, जिसमें 400 पौधों का रोपण कृषि महाविद्यालय से लेकर बिलासा ताल तक सड़क डिवाइडर व सड़क के दोनों किनारों पर पौधारोपण किया गया। पौधारोपण का आरंभ अर्पा मैया के पूजा अर्चना पर आरंभ हुआ। बारिश होते में भी सब में उत्साह दिख रहा था। पौधारोपण में अर्पा अर्पण महाअभियान परिवार के सदस्यों के साथ बिलासपुर के गणमान्य नागरिक, एनएसएस के विद्यार्थी, सिम्स कॉलेज के प्रोफेसर, कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं व विभिन्न संगठनों के सदस्यों उपस्थित रहे। वन विभाग के द्वारा कार्यालय परिसर से लोगों को निशुल्क पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इस महाअभियान में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जुड़ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने अपील किया है कि एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएं। शहर में अलग अलग संगठन वन विभाग से पौधे लेकर अलग अलग जगहों पर इसे रोप कर इसके सुरक्षा का संकल्प ले रहे हैं। जब यह पौधे वृक्ष बन जाएंगे उसके बाद क्षेत्र हरा भरा दिखेगा और राहगीरों को सुकून मिलेगा। तंत्रा बार में हुई मारपीट और हंगामे के बाद सिविल लाइन पुलिस ने बार के मैनेजर और कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की है। मामले में मैनेजर धनंजय राउत राय और कर्मचारी राकेश सिंह के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। 11 जुलाई की रात को शराब की बोतलें छलकाने को लेकर हुए विवाद में आदित्य तिवारी को गंभीर चोटें आई थी। निगम इलाकों में समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को वार्ड क्रमांक 2 के सांस्कृतिक भवन सकरी में शिविर लगाया। लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे। इसमें प्रमुख रूप से सफाई संबंधी, राशन कार्ड, आवास व पेंशन के लिए आवेदन जमा किए गए। आम नागरिक आ रहे हैं, अपनी समस्याओं का आवेदन दे रहे हैं और उस आवेदन के आधार पर हम निराकरण करने का प्रयास करते हैं। मांग और शिकायत दो प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। शिकायत आती है सफाई से संबंधित या किसी के बेजा कब्जा संबंधित, तो उस पर एक दो दिन के अंदर जैसा भी संभव होता है कार्यवाही कर ली जाती है और उसका निराकरण करते हैं। लेकिन जो मांग आती है, जैसे पेंशन की मांग आ रही है, हितग्राही मूलक योजनाएँ हैं, राशन कार्ड हैं या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आती हैं, बिजली की से संबंधित आ रही हैं, कुछ रोड नाली की आ रही हैं, उसका हम एस्टिमेट तैयार करते हैं। एस्टिमेट तैयार करके उसे आगे बढ़ाते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।